हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 9 डे बाय डे। आई फ्लोट माय पेपर बोर्ड। यस्टरडे वी सॉल्व द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज ए एंड बी। सो नाउ इनटू दिस क्लास वी गोना सॉल्व एक्सरसाइज सी, एंड इन एक्सरसाइज सी वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज, व्हाट डज द चाइल्ड इमेजिन इन द पोयम। चाइल्ड क्या कल्पना करता है इस पोयम में। So I have already written the answer for you. Write the answer as, the child imagines that some other child tries to compete with his board by sending white clouds down the air in the sky. Child ये कल्पना करता है कि कोई और भी एक दूसरा बच्चा है जो कि उसकी board के साथ compete कर रहा है, और वो बच्चा sky में है, आसमान में है, और उसने रेस लगाने के लिए उन सफ़ेद बादलों को भेजा है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड सेंड द पेपर बोर्ड। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड सेंड द पेपर बोर्ड्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस बच्चे ने पेपर बोर्ड्स को पानी की धारा में क्यों भेजा था। You can write the answer in short as like, the child sends the paper boards down the running stream because he loves the world of playfulness and fun. उस बच्चे ने पेपर बोर्ड्स को रनिंग स्ट्रीम में इसलिए भेजा था, वो भेजता है क्योंकि उसे अपनी दुनिया में, जिस दुनिया में वो खेलना पसंद करता है या मज़े करता है, उसमें रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो इन पेपर बोर्ड्स को रनिंग स्ट्रीम में छोड़ता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन दीज बोर्ड्स। वो चाइल्ड अपना नेम और एड्रेस इन बोर्ड्स पे क्यों लिखता है। एंड द आंसर इज, द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द बोर्ड्स बिकॉज He is curious and hopes that someone in a strange land would find and take them. If the person does so, he/she would come to know about the boy and who he is. So, answer आप लिख सकते हो कि वो बच्चा अपना name और address उन boards पे लिखता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है, उत्साहित है, और ये आशा करता है कि कोई एक दूर किसी अजनबी जगह पे कोई है जिसको ये बोट्स मिल जाएगी और वो उन्हें उठा लेगा। और अगर वो पर्सन ऐसा करता है, चाहे वो लड़का हो या कोई लड़की हो, कोई भी पर्सन अगर उसको उन बोट्स को लेके जाता है, तो उसे पता चल जाए इस बारे में कि वो लड़का कौन है और किसने इन बोट्स को भेजा है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाई डिड द चाइल्ड लोड द बोर्ड विथ फ्लावर्स। हियर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप इन क्वेश्चन नंबर फोर, सो करेक्ट इट। ओके, तो उस बच्चे ने बोर्ड्स को फ्लावर से क्यों लोड किया। राइट द आंसर एज, द चाइल्ड हैड ए डीप सेंस ऑफ लव, ही विश्ड टू प्रेजेंट हिज अननोन फ्रेंड विथ वैल्यूएबल गिफ्ट, सो ही लोडेड द बोर्ड्स विथ फ्लावर्स। उस बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है अपने दोस्त के लिए, वो चाहता है कि वो अपने अननोन फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल गिफ्ट्स भेजे, और इसलिए वो उन बोट्स को फ्लावर्स से लोड करता है। ओके, सो लेट्स गो फर्दर एंड सी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डज द चाइल्ड फील व्हेन ही सीज द वाइट क्लाउड सेलिंग इन द स्काई। उस चाइल्ड को कैसा फील होता है जब वो देखता है कि सफ़ेद बादल आसमान में सेल कर रहे हैं। एंड द आंसर इज, ही फील्स दैट देयर इज समवन इन द स्काई हु इज हिज प्लेमेट्स एंड कम्पीट्स विथ हिज बोर्ड्स बाय सेंडिंग वाइट क्लाउड्स। वो उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करता है कि कोई आसमान में है एक दूसरा बच्चा जो कि उसका खेल का साथी है, और वो कम्पीट कर रहा है उसकी बोट के साथ, और उसने उस रेस में
उसकी बोट्स के साथ रेस लगाने के लिए सफ़ेद बादलों को भेजा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।